या अल्लाह, ये तो मैंने दिखाया ही नहीं, छुआ ही नहीं है, मतलब ये तो सब कुछ हो गया है। तो गाइस ये ऑर्डर है हमारे, ये है मोमोज, ये है चाउमीन और ये है मिक्स। अब जहाँ जाते हो फैल क्यों जाते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। फिलहाल का ब्लॉग कर रहा हूँ मैं डीजे भाई की गाड़ी से शुरू, और टाइम हो रहे हैं 9:50। फिलहाल हम इसलिए आज जल्दी ब्लॉग शूट कर रहे हैं क्योंकि हम सुबह 8 बजे आ गए थे, क्योंकि हमारा डीजे भाई का एक स्नीकर लॉन्च हो रहा था ट्रेविस स्कॉट, तो बहुत सारे फ़ोन लेके हम बैठे थे क्योंकि हमारा जो बैड लक आउट ऑफ स्टॉक हो गया, वो सोल्ड आउट हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे हम अच्छे से। होपफुली जिनको स्नीकर के बारे में पता हो उनको पता होगा स्नीकर की हाइप का, तो इसलिए हम बैठे थे। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं समीर भाई की शॉप पे, वहाँ पे बैट एक ऑर्डर करवाया था हमारे डीजे भाई ने बैट देखने के लिए, तो फिलहाल अभी हम वहीं जा रहे हैं बैट देखते हैं उसकी शॉप पे, तो फिर मिलते हैं हम आपसे वहाँ पे पहुँच के। तो गाइज अभी फिलहाल शॉप खुली नहीं है, हम थोड़ा जल्दी आ गए, तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर, वापस अभी ब्लॉग डालना है 10 बजे, तो ब्लॉग डाल के मैं सो जाऊँगा क्योंकि हम आज 8 बजे के उठे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। 7:30 बजे उठा था, 7 बजे तेरी कसम 7 बजे उठा था, देखा तेरा फ़ोन ही है, मुझे लगा नहीं होगा सिस्टम कुछ, मिलते हैं फिर आगे। तो भाई फाइनली उठ गए हम क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी हम उठ गए थे आज, जैसे कि मैंने आपको बताया था उस स्नीकर का कुछ मसला था तो तभी उठना पड़ा हमें डीजे की वजह से, और आज है फ्राइडे, तो फिलहाल अभी मैंने होना है फ्रेश, नमाज पढ़ी, उसके बाद हम लंच करेंगे, तो ये ब्रेकफास्ट हमने सुबह ही कर लिया था। और ये देख सकते हो इनकी नींद पूरी नहीं हुई। आपकी नींद पूरी नहीं हुई है? नींद पूरी नहीं हुई। तो गाइस नींद पूरी नहीं हुई, कौन सा शेर था, नींद पूरी नहीं हुई, सुबह में सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी नहीं हुई, और पूरे हो गए जो भी है। तो फिलहाल अभी मैं हो जाऊंगा फ्रेश, तो उसके बाद जाएंगे नमाज पढ़ने, तो उसके बाद देखते हैं फिर आगे का सीन क्या रहता है। तो गाइस देख सकते हो हमारे रूम की हालत क्या है, कितनी गंदी हालत है। तो फिलहाल आज मैंने ये सोचा है कि आज मैं नमाज से पढ़ कर आकर आपकी हेल्प करूँगा। क्या कहना है आपका, आपकी मैं मदद करूँगा, तो आपका कुछ रिएक्शन रहेगा इसमें? ऐसे तो बड़े ज़्यादा थक जाते हो आप, काम करते हो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपकी मदद करूँगा आगे पूरे दिन क्या रहेगा? खुश नहीं रहोगे आप? खुश नहीं रहोगे आप? तो गाइस आज मैं साइका की मदद करूं। तो गाइस आज मैं साइका की मदद करूंगा, ऐसा मैंने सोचा है, पर अब नहीं करूंगा, करो खुद ही, खुद ही करना, खुद ही। क्या बोला? करना जरा खुद की मदद। तो गाइस मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, मैं लेट हो गया हूँ, ठीक है? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ ठीक वगैरह मत करना, आज मैं कुछ नहीं आपकी हेल्प करने वाला। पार्टी बड़ा है, क्या किया? तो गाइस अभी चलते हैं नहाने के लिए, चलो। तो गाइस लेट हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा मैं, तो फिलहाल अभी जाते हैं मस्जिद, तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे। तो गाइस नमाज पढ़ के हम आ चुके हैं, नेक लोग नमाज पढ़ के आ चुके हैं, देख सकते हो कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है जब इंसान नमाज पढ़ के आ जाता है। तो पिछले 5 जुमा में मेरा पहला जुमा था जो मैंने पढ़ा, नबील भाई का 10वां जुमा था, 10 जुमा के बाद नबील भाई ने नमाज पढ़ी है। कैसा फील हो रहा है आप? मैं हर जुमा पढ़ता हूँ, मुझे क्यों नहीं दिखते हो आप? नमाज पढ़ता हूँ, 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ।
तेरे पापा कमेंटों में बता देना प्लीज कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तो गाइस नमाज पढ़ गए, हम आ चुके हैं घर, प्रवेश कर दिया क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगी है। पहले खाना खाएंगे, फिर साइकिल को मारेंगे पकड़ के, फिर चलते हैं अभी अंदर, देखते हैं अंदर का सीन क्या। हाँ जी कहाँ हो सारे? तो देखो फिर नहीं तो मुझे बता, मैंने इसको बोला था कि आज मैं मदद करूंगा काम करने में, तो इसने ये हालत क्या कर दी है घर की यार। ये क्या किया आपने, ये क्या किया? थोड़ा मुंह से निकाल के बात करा करो ना, मुंह में बात नहीं यार। तोबा 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 तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। ओहो तो ये नाजायज चीज नहीं हो गई कुछ यार? अब मैंने आपको बोला था कि मैं मदद करूंगा आपकी आज, तो ये कोई नाजायज चीज नहीं हो कि आप सारे कपड़े खोल के बैठ गए? इसका क्या मतलब है? करता हूँ ना मदद, मारने मुरने वाली बात नहीं किया करो। इधर मिल गई तो मेरी बेल्ट ये घूम गई थी गाइस। तो पहले खाना खाए जाए, तो पहले खाना खाए जाए। नहीं यार मुझे आपकी मदद करनी है, ऐसी बात थोड़ी ना चाहिए। तो गाइस आ चुके हैं हम अपने रूम में और अब हम करेंगे सैका की हेल्प, क्योंकि मैंने सिर्फ बोला ही था कि मैं हेल्प करूँगा लेकिन मैं सुबह से कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि खाना खा के मुझे सुस्ती पड़ जाती है जैसे कि आपको पता है। और अब हम ऑर्डर्स लेंगे सैका से और काम करेंगे। बताओ भाई क्या करना है? नहीं करूँ कुछ, सच बोलो। नहीं मैं करता हूँ, मैं मदद करना चाहूँगा। क्या बात, बताओ ना क्या करूँ मैं, बताओ जल्दी बताओ क्या करना है मेरे को। आज मैं काम करने के मूड में हूँ, बताओ जल्दी। बोलो ठीक है, ठीक है अभी भी क्या उन दोनों में मेरा नहीं है कि मेरा उसमें से। तो ये पहला टास्क मिल चुका है, पहले हम लेना चाहते हैं ठीक है। ये लो। तो गाइस आप ये जो सामान देख रहे हो इसके पीछे भी एक राज है। हमारी शादी को ख़त्म हुए कितने दिन हो गए आज? 7 दिन, 10 दिन हो चुके हैं और 9 दिन हो चुके हैं हमें यहाँ पे आए हुए, लेकिन 9 दिन में शादी का सामान अभी हम अनपैक कर रहे हैं। आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा आलसी लड़की है ये, और ये देखो कितना सारा सामान। ये मेरे को जहाँ तक लगता है कि जैसे कि मैंने इसको सुबह बोला था कि मैं मदद करूंगा, मुझे लगता है उसी की खुशी में इसने सारा सामान निकाल के फेंक दिया है ताकि मेरे को ज्यादा काम करना पड़े। यही है ना, यही है ना सच्चाई, यही है ना। ऐसा कुछ नहीं है, सारा नहीं कर रहा। ऐसे 10 दिन में इसको याद नहीं आया कि काम करना है, लेकिन आज ही क्यों इसको याद आया? क्योंकि इसको पता है आज कोई बकरा मिला है हलाल होने के लिए, दोबारा नहीं मिलेगा। तो तभी है ना, ऐसा ही है यार, ऐसा ही है। या अल्लाह ये तो मैंने दिखाया ही नहीं, ये क्या हाल किया हुआ है आपने? ये क्या किया हुआ है? ये तो कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब ये तो सब कुछ हो गया है, ये किसने साफ करना है यहाँ पे? ये नाइंसाफी है, सच बोलू ये नाइंसाफी है, सच बोलू आपको अल्लाह की कसम है। आपको मैंने बोला था तभी आपने ये किया ना। हर जगह मारा जाता है गरीब इंसान, हर जगह। दोबारा कभी नहीं मैं देखूंगा ये, ना बोलूंगा कि मैं मदद करने जाऊंगा। कुछ भी नहीं है मगर बकवास इतना है, हटो ना यार। मुझे आप काम ही नहीं बता रहे हो, मुझे काम बताओ ना, मैं काम करूं। ये देखो बस ये काम इसने किया हुआ है, ठीक है ये लो। ओ नीचे लो ना, क्या हो गया? ओह शिट, सॉरी यार गलती हो गई, गलती से गिर गया। मैं थोड़ा रोज काम करता हूँ, मेरे को इतना वो है यार, गलती हो गई, गिर गई, सॉरी सॉरी यार गलती हो गई ना। ओहो ये भी तो पड़े हैं। क्या हुआ?
तो गाइस ये जो चीजें हैं ये खुलती रह रही है। मैं अब चुपचाप करके बैठ गया हूँ क्योंकि एक बार सब चीजें खुल जाए तो फिर हम काम करेंगे। क्या हुआ? कुछ ऐसा कर रहे थे? नहीं, ये खुद ही कंफ्यूज है। मुझे क्या काम बताएगी? बैठो तुम, मैं चला लॉबी में, करो काम, जो खत्म करके फिर मुझे बताना। तो गाइस अभी साइका ने सुबह से रट लगाई हुई थी कि आज मुझे कहीं जाना है, मैं आपको कहीं ले जाऊंगी, मैं आपको कहीं ले जाएंगे। तो आज की जो ये डेट है ये साइका के नाम की डेट है। मुझे नहीं पता कहाँ ले जा रही है, कहाँ नहीं, बस मुझे बता रही है इधर चलो। तो हम अभी पूछने की कोशिश करेंगे मैडम को भी कहाँ ले रहे हैं। मैडम कहाँ जा रहे हैं? हम गाड़ी ठोकने वाली थी, बस इतना ही बोल रही है बहुत दूर। लेकिन वो दूर है कहाँ? अगर उसका नाम बताऊंगी तो चलोगे नहीं? बहुत दूर है। कोई बात नहीं, मैं चलूंगा आपके लिए। मैं जन्नत में जाने के लिए भी काबिल हूँ। यार जो भी बताओ, जाना कहाँ है आगे? लेफ्ट राइट कहाँ लेना है ये तो बताओ। सीधा? तो गाइस बता तो नहीं रही है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, बस बोल रही स्ट्रेट। तो मत मुझे कहीं किडनैप लेके कहीं मारने में। किडनैप? यार ये किडनैप, मैं देसी बंदा हूँ, मेरे में किडनैप किडनैप बस किडनैप नहीं बोलते हैं। क्या है किडनैप? किडनैप ठीक है, किडनैप। तो किडनैप करके मैं खुले भी नहीं यहाँ से। तो फिलहाल अभी बोरी सीधा चलो, बोरी सीधा चलो। तो फिलहाल अभी हम सीधा ही चल रहे हैं, तो देखते हैं फिर। अगर रास्ते में इसने बताया कि कहाँ जाना है तो देखते हैं। और ये मुझे एक जगह ले रही है और आज मैं भी आपको एक जगह लूँगा। बोलो यार, फंस चुकी है जाल में ये, क्योंकि मेरे को भी जब तक मैं जानूँ कुछ तब तक भी रहा नहीं जाता मेरे से। अब इसको भी जब तक नहीं, इसको भी कुछ जानने की वो तलब मैंने जगा दी इसके अंदर। आप जब तक नहीं जाने की तब तक नहीं छोड़ेगी। आप मैं इसके भी इस हम दोनों के बीच में वो होगा एक। आप मुझे सुनाओ कहाँ जा रहे हैं, तो अभी मैं आपको सुनाऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। पहले हम जा रहे हैं जहाँ हम मैं पहले, उसके बाद हम जाएंगे। तेरी सॉरी गाइस नाका तोड़ा, चालान ठोको। इन्होंने देखा, इग्नोर कर दिया। इतना जाम लगा था तो बेचारे कितने करेंगे। तो फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं, तो रास्ते में मैं पूछने की कोशिश करूंगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, और फिर देखते हैं फिर क्या रहता है। तो गाइस एज यूजुअल जैसे सबको पता है ये साइका को चौमिन पसंद है और मोमो हट पे इसको जाना था। इसको पता था मैं नहीं आऊंगा तभी मुझे बतानी थी, लेकिन बहुत गलत सोच रही थी। इसको पता है अगर इसको खाने का मन है तो मैं ज़रूर लेके आता हूँ। तो फिलहाल अभी हम आए हैं यहाँ मोमो हट, यहाँ पे हम देखते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं। और ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला, मैं तो ऐसे भी आ जाता। तो फिर क्या हो गया यार, दूर आपसे बढ़कर है दूर, फिर क्या हो गया? तो फिलहाल अभी हम मोमो हट आए हैं, अंकल जी ने शराब पी हुई है शायद, मुझे जहाँ तक लगता है। और फिलहाल अभी हम आए हैं मोमो हट, तो मोमो हट में हम खाते हैं चौमिन मोमोज। और फिलहाल का सीन तो यही है, फिर आगे का सीन आप मेरी जगह पे जाएंगे। खुश हो आप यहाँ पे? तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मोमो हट और ये है वो चीज़ जिसके लिए ये आती है। ये चटनी पूरी बठिंडी में कहीं नहीं मिलती, बस इस चटनी के लिए यहाँ पे आती है। ये चटनी है वो, अगर ये चटनी अगर तुम खा लो, मैं बता रहा हूँ सुबह सुबह आप मुझे बहुत याद करने वाले हो बाथरूम में। बड़ा खा लिया। तो गाइस मैं ना एक्चुअली डाइटिंग पे हूँ, तो मैं ज़्यादा जब खा लेता हूँ ना मेरी कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है ना। मैं आजकल कुछ खाता हूँ सिर्फ बताना, कुछ भी नहीं खाता हूँ। ज़्यादातर क्या खाता हूँ, दो प्लेट राइस खाता हूँ, सुबह उठ के चाय पी लेता हूँ, ज़्यादा थोड़ा खाता हूँ। मेरे सिक्स पैक एब्स जो है ना वो मेंटेन है। फिर भी बोल रहा था आलू के पराठे के लिए, तो दे ही नहीं रही है ये, कब से भर रहा हूँ मैं। आज सुबह क्या खाया था? कहाँ खाया सुबह आलू के पराठे में, पागल हो गया? आज हमने पूरी चने मंगाए थे सुबह सुबह, वो आई नहीं थे डीजे वगैरह, ब्रेकफास्ट हमने सुबह जल्दी किया 8 बजे। हाँ, मुझे पता है। सीधा लंच किया है मैंने नमाज पढ़ के ना, जब मैं थोड़ा था आपकी हेल्प करूंगा। कितनी हेल्प की मैंने आपकी? 0%। तो गाइज अभी मैं साइका की जगह पे आ गया हूँ इसके कहने पे। अब आप मेरी कहने की जगह तैयार हो जाने के लिए, ठीक है? तो चलो निकलते हैं अभी हम यहाँ से।
तो गाइज अभी हम पहुंचे हैं आईआईटी और साइकिल को मैं बता दूं हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट और एक लॉन्ग ड्राइव पे। कैसा लग रहा है आपको ये सुन के? आधी ड्राइव तो हो गई, अब बताएं आप कैसा लगेगा? ऐसे तो अभी तो ये तो मैंने अभी बताया आपको, मतलब ऐसे लॉन्ग ड्राइव में चलते चलते कितना मजा आ रहा है आपको? सुकून मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो गाइस मैं आपको ही बता दूं कि जितना भी दिन बिजी हो, जितना भी थकान हो, जो जो मतलब गर्लफ्रेंड वाले हैं या बीवी वाले हैं सबको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार शाम को अगर ज़्यादा थकान हो, स्ट्रेस हो, तो एक बार लॉन्ग ड्राइव में ज़रूर आए। कौन तो यहीं से तो मैडम को आइसक्रीम भी खानी है तो आइसक्रीम भी खिला लेंगे। और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट पे, तो वहाँ पे हम बैठ के थोड़ी बातें करेंगे। एम बी ए चाय वाला स्टार्टिंग वाला तो यही था शायद, मटंडी में भी है, और वहाँ पे बैठ के बात करेंगे। और सबको मैं सजेस्ट करूँगा कि शाम को एक टाइम निकाल के प्लीज़ अपनी अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ जाके लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, जाके लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, जाके वही लॉन्ग ड्राइव। यार राइम कर रही है लड़की यार, क्या बात है यार, क्या बात है। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम व्यू पॉइंट पे, देख सकते हो ये है व्यू पॉइंट, सबने देखा ही होगा। और एक बात बता दूं बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ पे, बस कहीं लात लूट कहीं फिसल गई तो सीधा नीचे पहुंच जाएंगे। और ये जो जगह है ना, ये जगह बहुत प्यारी है यार, है ना, मज़ा आता है ना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वॉक करने का बड़ा मज़ा आता है ना, बहुत मज़ा आता है वॉक करने का। तो गाइज अभी हम यहाँ पे रुके और अभी हम लेंगे व्यू का मज़ा। और आप बताओ कैसा मज़ा, कैसा आ रहा है? तो अभी हम यहाँ पे सुकून से बैठेंगे तो मज़ा बातें वगैरह करेंगे, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा किया, बहुत ज़्यादा बातें की हमने, और फिलहाल आपने तो देखा ही होगा कितना ज़्यादा मज़ा किया और रील्स वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह बहुत सारे ले लिए। तो फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया, तो चलते हैं घर, मिलते हैं आपसे सीधा रास्ते। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं ठंडी में और यहाँ पे एक नया आइसक्रीम पार्लर खुला है और वहाँ पे हम रुक नहीं सके, हम इतनी बातें करते पता ही नहीं चला यहाँ कैसे पहुँच गए। तो फिलहाल अभी यहाँ पे एक नया पार्लर खुला है, वहाँ से हम आइसक्रीम लेंगे आपके लिए। कौन सा फ्लेवर? चलो ना फिर यार, खुश हुई तो हम जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं फिर क्या 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 है। वो चले भी गई। ओ हेलो, बड़ी बदतमीजी, वेट ही नहीं किया, बैठो ना यहाँ पर, बैठो यार यहाँ पर। आपको आपको पसंदीदा आइसक्रीम मिली, आपको कैसा लग रहा है? कुछ मिली ना। क्यों मिली? तो आइसक्रीम मिली। आप इधर सुनो, आप जहाँ जाते हो फैल क्यों जाते हो? ये मेरा था ना। पुरानी आदत जाएगी नहीं कभी इसकी गाइस, अपना खाओ चुपचाप करके। हम निकल चुके हैं बठिंडी से अब घर की तरफ। शेक और आइसक्रीम और ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा क्यूट था यार, छोटी छोटी चीजें है ना। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम घर और काफी ज्यादा थक चुके हैं और फिलहाल अभी जाते हैं अंदर, फिर मिलते हैं आपसे। करते हैं इस ब्लॉग का एंड, तो हम आगे थे थक गए हैं काफी ज्यादा, तो करते हैं इस ब्लॉग का एंड। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ठोक दो और मिलते हैं कल नए से ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।